हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को, जी एंड रूही लव स्टोरी। सो जी एंड रूही के लास्ट पार्ट में कुछ ये हुआ था कि रूही जो होती है वो जी के सामने डिमांड रखती है कि सुनो हमें तुम्हारा बेबी चाहिए, तो जी उसे मना कर देती है। पर रूही कहाँ हार मानने वालों में से, वो जी की पूरी फैमिली में बात कर लेती है एंड उसके बाद सब लोग जो है वो जी से कहते हैं कि रूही सही तो कह रही है, इसमें गलती ही क्या है। तो जी कहती है मेरे लिए गलत है भाई, मुझे नहीं चाहिए अभी बीबी। लेकिन इसके बाद सब लोग जो है वो जिया को फोर्स कर देते हैं, लेकिन वो किसी की कुछ नहीं सुनती और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने रूम में चल जाती है एंड वहाँ से जल्दी से निकलती होती है कि बस मैं किसी तरीके से आज घर से निकल जाऊँ, अगर नहीं निकली ना तो पक्का ये लोग मेरी हाँ करवा ही देंगे। इतने में रूही जो होती है वो जिया के पास आ जाती है और जब रूही जिया के पास जाए और जिया मना ही कर जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो रूही जो है वो जिया को प्यार से मना ही लेती है अपनी बातों में। सो इसके बाद जो रूही जो होता है वो दोनों साथ में बेड पे लेटे हुए होते हैं, तो रूही जो होती है वो जिया के ऊपर आ करके मतलब उसे देख लेती है। जिया कहते क्या है, तो रूही कहती तुम हो, तो जिया हाँ मैं तो हूँ लेकिन और क्या है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। तो रूही कहती कुछ नहीं सोच रही हूँ, काश भगवान तुम्हें सदबुद्धि दे। तो जिया कहती सदबुद्धि और मुझे क्यों भाई। तो रूही कहती ज़रूरत है तुम्हें। तो जिया कहते एक्सक्यूज़ मी क्यों ज़रूरत है मुझे, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, जितना दिमाग है बहुत है। तो रूही कहती है अरे बुद्धू बाबू वो वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ क्या ना कि अब तुम ना बड़े बनने वाले हो, पहले तो मैंने कहा था ना कि घर में सबसे छोटे ही तुम थे। नहीं नहीं चार चार के बच्चे भी थे लेकिन वैसे तो छोटे तुम थे ना, तो क्या ना कि तुम बचपना कर भी देते थे तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो तुम्हारी बेबी आ जाएगा फिर वो बचपना करेगा या तुम बचपना करोगे, कोई यही तो करेगा। तो जी कहते बस बस इसी वजह से नहीं चाहिए यार मुझको, मेरी गलती क्या है ना माफ़ हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसके आने के बाद तो यार मेरी कोई गलती माफ़ ही नहीं करेगा, कहेगा तुम बड़े हो गए हो, हद है यार, वही देख लो सोच लो समझो यार, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं बचेगा, मेरी सारी गलतियाँ गिनी जाएंगी प्लीज़। और तुम्हें तो पता है इंसान तो गलतियों का पुतला होता है और मेरे जैसा पुतला तो रोज़ गलतियाँ करता है। तो रूही कहती हूँ तुम्हारी किसी भी बात का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला बाबू, मैंने तो सोच रखा है। तो जी तो ठीक है फिर हट जाओ यार तुम मेरे ऊपर से, अपनी मन की करती हो ना तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो रूही जाती है फिर हंसने लग जाती है, अच्छा चलो मानना पड़ेगा तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो, इरिटेटिंग हो। तो जी कहते हैं क्या कहा तुमने, तो ये तो और नहीं तो क्या सही तो कहा है मैंने, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो ना, जब देखो तब गुस्सा रहता है आँखों में, जब देखो तब लड़ने के लिए उतारू, तुम ना जिया बदल गई हो। तो जिया कहती है ओ हेलो मैं कोई चेंज वेंज नहीं हुई हूँ, ठीक है ना मैं आज भी वही हूँ जो पहले हुआ करती थी, तुम हो तुम्हें हर वक्त मुझ पर चेंज दिखता है। तो रूही कहती है वैसे अब नहीं लग रहा ना, पहले भी लड़ने के लिए उतारू अब भी लड़ने के लिए उतारू। तो जी कहते हट जाओ यार तुम्हारे मैं सॉरी हट जाओ मेरे ऊपर से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो उसके बाद जी आपको खड़ी हो जाती है, तो रूही उसको पीछे से कर लेती है और मेरे छोटे से बाबू को गुस्सा आ गया। तो जी कहते नहीं कोई गुस्सा नहीं है जाने दो मुझे। तो रूही कहती कहाँ जाओगे, तो जी कहते कहीं ना कहीं तो जाऊँगी ना जाने दो मुझे। तो रूही होती है फिर उसके कहते हैं फिर हल्के से बात करती है। तो जी कहती ये क्या है रूही, तो रूही कहती कुछ नहीं प्यार है मेरा। तो जी कहती ये प्यार है तुम्हारा, तो रूही कहती हाँ प्यार है। तो जी जो है फिर उसकी साइड फेस करती है मैं मेरा वाला दिखाऊँ, तो रूही कहती है नहीं तुम्हारा वाला नहीं। तो जी कहते अच्छा फिर ये जो तुम मुझे दिखा रही हो निशानियाँ दे दे के ये नहीं दिखती तुम्हें, मैंने अगर कुछ किया ना रूही तो फिर तुम तुम्हारा प्यार भूल जाओगी। तो रूही कहती है ओ मैं भूल जाऊँगी, तुमसे ज़्यादा रोमांटिक हूँ मैं, मुझे तुम मुझसे ज़्यादा रोमांटिक हो। ओके ये बात प्रूफ करके दिखाओ तुम मुझसे ज़्यादा रोमांटिक हो। तो रूही कहती है प्रूफ कैसे करूँगी, तुझे तो मुझे नहीं पता, प्रूफ करो तुम मुझसे ज़्यादा रोमांटिक हो। तो रूही जाती है फिर जिया को वॉक कर लेती है तुम्हारे लिए इतना बहुत है ना जिया प्रूफ करने के लिए। तो जिया जो फिर उसे थोड़ा सा करते हुए नहीं अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ रोमांस कैसे कहते हैं। सो उसके बाद जिया जाती है वो रूही को और नज़दीक और नज़दीक उसकी कमर में अपने हाथ डाल के उसे बिल्कुल क्लोज कर लेती है। तो रूही कहती है आप सुनो तुम्हें लेट नहीं हो रहा, तो जी कहते नहीं लेट नहीं हो रहा, क्या ना कि लेट हो रहा होता तो मेरी बीवी मुझे इतना परेशान नहीं करती होती। तो रूही कहती है अच्छा बाबू सॉरी 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 तुम जाओ, तो जी कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगी और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि रोमांटिक कौन है सबसे ज़्यादा। और इसके बाद वो रूही को और नज़दीक करते हुए उसके लिप्स पे किस करने वाली होती है, इतने में रूही होती है मुझे अब थोड़ा सा पीछे कर देती है। तो जी कहते क्या हुआ, कहते कुछ नहीं मान लिया तुम रोमांटिक हो मैं नहीं हूँ। तो जी कहते ये ठीक है चुपचाप से मान गई ना चलो मुझे जान दो।
तो उसके बाद चिया जो है वो वापस से मुड़ रही होती है, तो रूही उसका फिर साथ पकड़ के गले लग जाती है। तो ये कहती मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ रूही, क्या है यार? तो ये कहती क्या है क्या है, हाकी तो कर रही हो, जाओ तुम वो वर्क करने के बाद। तो ये कहते हाँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम इस तरीके से मेरे नज़दीक आओगे और मैं चली जाऊँ, लानत है मेरी मोहब्बत पर अगर मैं ऐसे चली जाऊँ तो। रूही कहती यार मैं क्या करूँ, अगर तुमसे कंट्रोल ही नहीं होता है तो। ये कहती कंट्रोल मैं तुम्हें दिखाती हूँ ना क्या होता है। उसके बाद वो रूही को पकड़ के सीधे बेड पे गिर देती है और खुद उसके ऊपर, मैं दिखाऊँ कंट्रोल, कंट्रोल हटना किसे कहते हैं। तो रूही कहते हैं नहीं जी नहीं, और वैसे भी तुम अब बड़े हो गए ना जिया, तो मेरे स्वीट से बाबू, चलो अब जल्दी से तुम ही समझदार बन जाओ। तो जी कहते नहीं मैं पागल ही ठीक हूँ, मुझे कोई समझदार वमझदार नहीं बनना है, और वैसे भी समझदार बनने के बाद ना दिमाग ख़राब हो जाता है यार, बचपना नहीं कर सकते हो, मस्ती नहीं कर सकते, इंजॉय नहीं कर सकते हो, लानत आ जाती है ऐसी ज़िंदगी के ऊपर। तो रूही कहती है हाँ तुम्हें इंजॉय करना है, तुमने इतना कर लिया उसके बाद भी तुम्हें इंजॉय करना है, अरे थक जाओ इंसान थक जा। तो ये कहती है नहीं मैं तो नहीं थकने वाली। तो इतने में रूही का जो फ़ोन है वो रिंग कर होता है। तो जी कहती है ये देखो तुम्हारी सोतन को, कभी कभी है ना तुम्हारा फ़ोन भी गलत टाइम पर बजता है। तो ये कहती नहीं मेरा टाइम सॉरी मेरा फ़ोन कभी गलत टाइम पर नहीं बजा, मेरे लिए एकदम परफेक्ट टाइम पर बजा है, ताकि मैं चुपचाप तुम्हारे यहाँ से निकल लूँ। तो जी कहती है ओहो, अभी जिसकी बाहों में आप हैं ना, बिना उसकी परमिशन के तो आप जा ही नहीं सकती हैं। तो ये कहती है ओ इनकी परमिशन की मुझे कभी जरूरत पड़ी नहीं है वैसे आज तक। तो जी कहते ओ रियली, रियली रियली आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ी, बताओ मैंने तुमसे कब पूछा हूँ कि मुझे जाना है, मैं तुम्हें कहती हूँ सुनो हट जाओ मुझे जाना है। तो जी कहते सही कह रही हो तुम, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो ये कहते हूँ तुम्हारी वाकई ही मिली है, फिलहाल मुझे हटो देखने दो किसका फ़ोन है। उसके बाद रूही होती है फ़ोन देख रही होती है, तो जिया उसके गालों के ऊपर किस कर रही होती है। तो ये कहते हैं मान जाओगे तुम, तो जी किसका फ़ोन है, तो पता नहीं कोई अननोन नंबर है। तो जी कहते फिर रखो ना यार, ये अननोन नंबर इतना इंपॉर्टेंट है क्या कि नॉन से तुम ऐसे बात करोगी। तो रूही फिर भी फ़ोन साइड में रख देती है, क्या करूँ ये नॉन है ना बड़ा परेशान करता है मुझे, अननोन ही ठीक है। तो जिया फिर उसको गुस्से से ऐसा देखती है, तो ये कहती क्या है मजाक ना करूँ तुम्हारे साथ, अच्छा छोड़ो मुझे जाने दो। तो जिया कहती है कि कहाँ जाना है तुम्हें, तो कहते नीचे जाना है मुझे, और वैसे भी मम्मा से भी बात करनी है, उनका भी कॉल आया हुआ था। तो जिया कहती है ठीक है, लेकिन सिर्फ मम्मा से बात करनी है इसलिए जान दे रही हूँ, बाकी ये जो काम के तुम बहाने बनाती हो ना मुझसे दूर जाने के, बेटा किसी दिन है ना खुद को भी जानू टाइम नहीं देते हो। तो रूही जो है फिर रस्ते में जाती है, मेरा जानू है ना खुद ही मैग्नेट की तरह मेरे पास चिपका चिपका आएगा, मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, इशारे काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो जी कहती है कितनी बुरी हो ना मेरे प्यार का बहुत नाजायज फायदा उठाती हो। तो रूही कहती है हाँ और वैसे भी क्यों ना उठाऊँ, आफ्टर ऑल तुम्हारे दिल की धड़कन हो यार, चाहते हो तुम मुझे इतना, और वैसे भी फ़ायदा उठाना तो बनता है। लेकिन उसके बाद रूही जो होती है वहाँ से चली जाती है, और जिया जो होती है वो रेडी हो जाती है। लेकिन इतने में रूही का फोन जो है वो दोबारा से रिंग करता है। तो जिया को समझ में आता ना ये कौन बदतमीज इंसान है, वो पहले तो उसका फ़ोन देखती है फिर नहीं उठाती और अपनी पॉकेट में रख लेती है। लेकिन थर्ड टाइम जब रिंग करता है तो जिया को समझ में आता है शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो, वो रूही को इधर उधर देखती है मगर रूही कहीं नहीं नजर आती, तो फिर वो फाइनली फ़ोन उठा लेती है। तो वहाँ पर जो सामने वाला मेम्बर होता है कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन रूही, तो जिया को उसकी आवाज़ पहचान में आ जाती है, तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है, और तुम्हें भूल ही गई थी ना। तो सामने से सिद्धार्थ जो है वो जिया से कहता है कि कैसे भूल गई थी, क्या है कि मैं कुछ वक्त के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से गायब क्या हुआ, तुमने तो तुम्हारी ज़िंदगियाँ बदल दी। तो जिया कहती है तुम गायब हुए नहीं गायब किए गए थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आता, उन्होंने कहते वॉट, तो जिया कहते और नहीं तो क्या, कहना कि जब तुमसे हमारी लड़ाई चल रही थी उसी बीच में मेरे घर में इतना सब कुछ हो गया, मेरे पेरेंट्स भी मान गए, रूही भी तैयार थी, उसके पेरेंट्स भी तैयार थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ वक्त के लिए अपने गुस्से को साइड में रख के दिमाग से काम लूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हें मैं मेरे खिलौने के साथ खेलने देती हूँ, कुछ वक्त खेलो और इतने में मेरा काम कर लेती हूँ। तो सिद्धार्थ कहता है ओह तुम मानती हो ना तुम मुझसे डर गई, तो ये कहते इसे डरना नहीं कहते हैं इसे समझदारी कहते हैं, कहना कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी के टाइम मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे रूही को हल्की सी भी तकलीफ़ हो, और वो तुम्हारी दोस्त है तो मैं नहीं चाहती थी उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ हो, उसे कुछ पता भी चले कि तुमने मेरे साथ कुछ किया या मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में मेरी रूही परेशान होती जो मैं नहीं चाहती थी सिद्धार्थ, तो इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया और खेल दे दिया अपने खिलौने से,
लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी भी शांति नहीं मिली है। तो सिद्धार्थ कहता है, नहीं मिली है। जब तक मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं ले आऊँगा ना, जब तक तुम मुझसे आके ये नहीं कहोगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे शांति नहीं मिलने वाली है। तो जय जय फिर एक बार थोड़ी सी स्माइल के साथ कहती है कि सपने दिन में नहीं देखने चाहिए, सोते हुए देखने चाहिए। कहना सच होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है, हकीकत में हो या ना हो ख्वाबों में तो हो ही जाते हैं सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ कहता है कि मुझे ये सपना सच ही करना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो जी कहते कर तो तुम कुछ भी सकते हो, लेकिन कहना कि तुम भूल जाओ। अभी तुम जहाँ हो ना, सिद्धार्थ वहाँ से ऐसे गायब हो गए ना कि गूगल भी नहीं ढूंढ पाएगा, वो भी कहेगा नॉट फाउंड। और अच्छा है तुमने याद कर ही लिया। कहना कि अब मैं मेरी शादी से फ्री हो चुकी हूँ, सारी चीज़ों से फ्री हो चुकी हूँ, अब बस एक ही काम रह गया। तुमने जो मेरा खिलौना मुझसे लिया था ना मेरे हाथों से, मैं भूली नहीं हूँ। आ रही हूँ, जल्दी से तैयार रखना वरना छीन के ले जाऊँगी। तो सिद्धार्थ कहते हैं वेरी गुड, मैं अभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आओ, लेकिन इस बार मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आना। तो ये कहते तुमने वो सुना नहीं है क्या, कुत्ता पालो बिल्ली पालो पर वैम मत पालो। वैम तुम बहुत ज़्यादा पालते हो सिद्धार्थ, पहले तुमने ये पाला कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर ये है कि तुम मुझसे बदला ले लोगे, तुम दोनों टाइम फेल हुआ, अब थर्ड टाइम फिर से। अरे सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ कहते हैं वेट, इस बार कहना मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगा। तो जिया कहते मैं रहूँ, तो कहते हैं कि हाँ मतलब सीधे तुम्हें तकलीफ़ थोड़ी ना दूंगा, कहना कि रूही, अगर रूही को तकलीफ़ होगी तो जिया को तो ऑलरेडी होगी। तो जिया जो है फिर थोड़ा गुस्से में रहती है, तुम्हें मैं प्यार से कह रही हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि तुम रूही के दोस्त हो, मैं नहीं चाहती कि उसे बुरा लगे, इसलिए प्यार से समझा रही हूँ, रूही हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए, अगर वो बीच में आई ना तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी इसी बात का अफसोस रहेगा, आखिर तुम मुझसे मिले ही क्यों थे। तो स्टार्ट हुआ वो थोड़ा मतलब डेविल वाली स्माइल में कि अच्छा देख लेंगे, और मैं भी देखता हूँ तुम रूही को कैसे बचाती हो। क्या है ना कि तुम्हें तकलीफ़ देना कसीदा सा है, रूही को तकलीफ़ पहुँचाओ। दूजी जो है वो कहती है कि ध्यान रखना, कमज़ोरियाँ मेरी है ना तो कमज़ोरी तुम्हारी भी होगी। तो सीधा कहते हैं अच्छा देखते हैं, तो कहते हैं सोच लेना, रूही बीच में नहीं आनी चाहिए। तो सिद्धार्थ कहते हैं वैसे मैंने उसके लिए तोहफा भेजा है, देखोगे नहीं। तो जिया जो है वो थोड़ा सा घबरा जाती, क्या? तो सिद्धार्थ कहते हैं हाँ नहीं तो क्या, एक ऐसा तोहफा भेजा है मैंने उसके लिए जिसे देख के उसे इतनी ज़्यादा खुशी होगी ना, और उसे खुशी हो के तुम्हें तो डबल खुशी होगी। जिया कहाँ ध्यान है तुम्हारा, जाओ देखो। तो जिया जो है उसका फ़ोन तुरंत काटती है, लेकिन अब उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है क्योंकि उसकी रूही को किसी बात से तकलीफ़ हो जाए ये उससे बर्दाश्त ही नहीं होता, वो भी उसके होते हुए तो बिल्कुल नहीं। तो वो जल्दी से नीचे जा रही होती है क्योंकि नीचे हॉल में रूही के हाथ में एक बॉक्स होता है, मतलब छोटा सा बॉक्स होता है। तो जी ऊपर से देख लेती है, वो रूही को कैसे रोक पाती उसे समझ में नहीं आता। तो तुरंत सीढ़ियों से उधर ही देती है कि सामने से जो एक सर्वेंट है वो जिया से टकरा जाता है। तो जैसे वो टकराता है तो उसका जो कॉफ़ी होती है वो जिया की शर्ट के ऊपर थोड़ी सी गिर जाती है। तो जिया को इतनी तेज़ गुस्सा आता है, सीधे उसे ज़ोर का तमाचा लगाती है। तो इतने में रूही जो है वो जिया के पास आती है, क्या हो गया? एंड इसी के साथ साथ वहाँ पे जो उसके मम्मी पापा बैठे होते हैं वो भी वहाँ जाते हैं। तो जिया कहते क्या हुआ, जिया से थप्पड़ क्यों मार दिया तुमने? तो जिया कहते सब दिखता नहीं है क्या, ये आँखें हैं या बटन है तुम्हारे, तुम्हें इतना बड़ा इंसान नहीं दिखाई देता? तो फिर सविन कहते हैं कि मैम आई एम सॉरी, लेकिन आप इतनी जल्दी में आ रहे थे कि। तो जिया कहते मैं जल्दी में थी, मेरी गलती है? हाँ मेरी गलती है, ओ तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि मेरी गलती है, कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? वो दूसरी बार उसका हाथ उठ ही रहा होता है कि रूह जो है वो जिया के पास आ जाती है और उसके हाथ को थोड़े सा मतलब शोल्डर से साइड करते हुए, सुनो क्या हो गया, क्यों इतनी तेज़ गुस्सा कर रहे हो? तो जिया कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान चलाने की, लगता है तुम लोगों को ना बहुत ज़्यादा मैंने सर चढ़ा लिया, लेकिन बताना पड़ेगा कि कौन हूँ मैं, शायद तुम लोग भूल चुके हो। तो रूही जो है वो जिया कहती रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ है, हल्की सी कॉफ़ी तो पी है बाबू, इतना तेज़ गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो जिया कहती तुम चुप, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हारी वजह से, चुप रहो तुम बस। तो रूही कहती है इधर आओ मेरे साथ साइड में। तो रूही जो होती है वो जिया को साइड में लेके जा देती है, लेकिन वो कहाँ मानने को तैयार हो, उसका तो दिमाग ख़राब हो रहा था पहले ही सिद्धार्थ की बात से। सो वो रूही कहती है रूही तुम 5 मिनट साइड हो जाओ, इस वक्त मुझे गुस्सा आ रहा है। तो इतने में वो सरपंच जो कहता है मैम आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। तो रूही कहती है देखा वो सॉरी बोल रहा है बाबू, साइड में आओ ना, तो तुम मेरी बात सुनो। और उसके बाद जिया का हाथ पकड़ते हुए उसे थोड़ा साइड में ले जाती है।
तो वो नीचे आके शोल्डर पे हाथ रखती है, सुनो क्या हो गया, इतनी देर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो जी कहती नहीं गुस्सा क्यों कर रही हूँ, तुम्हें उसकी गलती नहीं दिखती है, उसकी गलती नहीं है। तो रूही कहती अरे हाँ हाँ उसकी गलती है, सारी गलती उसकी है, लेकिन वो आप भी तो समझो ना, इतनी तेज़ गुस्सा, उसका कुछ नहीं आ रहा, मेरे बाबू को खून सूख जाएगा, पहले तुम इतने पतले हो, ऊपर से खून जला 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 के और कमज़ोर हो जाओगे, नहीं मुझे तुम ऐसे अच्छे लगते हो, इससे ज़्यादा हुआ ना तो लकड़ी हो जाओगे, कांगड़ी हो जाओगे, बिल्कुल नहीं दिखोगे, इनविजिबल हो जाओगे। तो जी एक हंसी आ जाती है, तो कहते ऑली मेरा बच्चा हंसते हुए कितना क्यूट लगता है, कितनी मुश्किल से आँखों के अंगारे शांत किए थे मैंने, फिर से तुमने भड़का लिया अपनी आँखों में। सो जी कहती कि आ जाता है मुझे गुस्सा, तो कहती हूँ बड़ी मुश्किल से शांत किया मैंने इस गुस्से को। तो जिया कहती कि रूही बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम इस गुस्से को शांत करवा के। तो ये कहती नहीं मैं कोई गलती नहीं करी, और बाबू जब सारी बातों का सोल्यूशन प्यार से हो सकता है तो गुस्सा करके क्यों खून जलाना है, एक तो तुम्हारा वैसे ही नहीं बनता है, ऊपर से और जलाना है तुम्हें। तो जिया कहती तुम चुप रहो। तो ये कहती नहीं मैं चुप नहीं होंगी जब तक तुम पहले जैसे नॉर्मल नहीं हो जाते हो। तो जिया कहते हाँ मैं नॉर्मल हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो ये कहते नहीं नहीं आ रहा है, आ रहा है, अभी भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा है, लिटिल लिटिल सा। तो ये तो नहीं है। तो ये कहते है, तो ये नहीं है यार। तो कहते देखो इरीटेट हो रहे हो तुम है। तो ये कहते नहीं है, नहीं है रूही, देखो मैं तो हंस रही हूँ, हंस रही हूँ, मैं तो हंस रही हूँ, मैं कहाँ इरीटेट हो रही हूँ, मुझे तो हंसी आ रही है सिर्फ। तो ये कहते हूँ ये हंसी है ये डरा रही हो तुम मुझे। तो जी कहते अब ये हंसी तुम्हें डरावनी लगती है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती ना रूही। रूही कहते नहीं ये हंसी मुझे बड़ी प्यारी लगती है लेकिन फेक अच्छी नहीं लगती है, ये फेक है खोजने वाले लोग। तो जी कहती यही है। तो एक जो है फिर जिया को हक कर लेती है और 2 मिनट तक ऐसे ही हक करके रखती है। सो उसके बाद जिया जो है वो फिर को इतना ही टाइट हक कर लेती है। तो ये कहते हैं अब तुम हो गए ना नॉर्मल। तो जिया कहती बस तुम्हें पता है मैं नॉर्मल कैसे होती हूँ, तो फिर पहले वो करना चाहिए ना। तो ये कहते हैं पहले करना चाहिए लेकिन पहले गुस्सा निकालना चाहिए, और तुम पता है क्या हो, अगर तुम्हें गले भी लगूंगी ना तो मुझे दूर फेंक दोगे। तो जिया कहती हैं फेंक दूंगी। तो कहते हो तो तुम ऐसे ही हो अभी अभी नहीं पता, रुई दूर हो जाओ मुझसे। तो हो सकता है गले लग रही तो तुम मुझे दूर फेंक दो कि भगे यहाँ से। तो जिया कहती कुछ भी यार कुछ भी बोल रही हो तुम रोई। तो ये कहते मैं कुछ भी बोल रही हूँ, चलो कोई बात नहीं मैं कुछ भी बोल लूँगी, पर तुम स्माइल किया करो ठीक है, इतनी तेज गुस्से में आ गए तुम, पता मैं एक बार डर गई थी, मैं डर गई थी यार। तो जिया कहती तुम क्यों डर गई थी, मैं तुमसे मतलब मैं कौन सा तुमसे नाराज गई। तो रोई कहते तुम मुझसे नाराज नहीं थी, तुम्हारे इस गुस्से से डर लगता है, पता शादी से पहले आप ऐसे गुस्सा किया करते थे लेकिन उसके बाद अब बिल्कुल चेंज हो गए थे, गुस्सा तो जैसे भूल ही गए थे, फिर आज अचानक कहाँ से याद आ गया। तो जी कहते कहाँ से क्या आ गया, अंदर ही तो था मेरे, बाहर ही तो आया है सिर्फ। तो ठीक है बाहर आया ये, मत लाया करो प्लीज़, तुम 1000 बार बोलिए ऐसी वाली चीज़ें बाहर लाने की कोई जरूरत नहीं आई, बस जाओ तुम अब चेंज कर लो, कामों का कपड़े ख़राब हो गए यार तुम्हारे। तो जी कहते हैं तो रूही कहती मुझे तो वैसे पता ही था तुम्हें ज़्यादा गुस्सा इस बात का यार है, तुम्हारी वाइट शर्ट कैसे ख़राब कर दी उसने। तो जी एक हंसी आ जाती है, अच्छा तो कहते हो तो क्या वाइट शर्ट मैं ख़राब कर दूँ, तुम मेरी जान निकालने को उतारू हो जाओ, तुम्हें बड़ी पसंद है ये, ख़राब नहीं होनी चाहिए कैसे भी। तो जी कहती नहीं तुम करती हो ना तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो ये कहती अच्छा समझ लो मैंने कर दी बस, आप गुस्सा कम कर लो। तो जी कहते तुमने करी नहीं है। तो रूही जो है फिर उसके जो शर्ट होती है वहाँ पर अपने लिपस्टिक साफ कर लेती है, लो मैंने कर दी, अब इसे पहन के तो ऑफिस नहीं जा सकते ना, उसकी गलती भूलो मेरी गलती याद रखो, मैंने ख़राब करी है, और गुस्सा गायब करो अपना। तो जिया जो है वो कहती है इस साइड भी निशान लगाओ। तो रूही जो है फिर उसको ना हल्के से बाइट करती है उसकी गर्दन से, दिखाऊँ और निशान दिखाऊँ तुम्हें। तो जिया कहती नहीं, अच्छा रूही सुनो तुम्हारे हाथ में एक बॉक्स था ना बाबू वो मुझे दे दो। तो रूही कहती तुम्हें क्यों दे दूँ, उस पर मेरा नाम लिखा है मेरे लिए है वो। तो जिया कहती अरे वो क्या है ना है तो वो आप ही के लिए लेकिन वो मैंने मंगवाया है वो मेरा। तो रूही कहती हैं तो क्या कह रहे हो तुम। तो जी कहते मतलब कि ये है कि मुझे आप ही को देना है लेकिन उसमें कुछ चेंज करना है, तो वो पहले आप मुझे दे दीजिए फिर मैं आपको दे दूँगी। तो भी कहती है अच्छा मैं भी वही सोचूँ, मैंने तो कुछ मंगवाया भी नहीं था पता नहीं क्या। तो जी कहते वही तो। फिर कहती पर मैं खोल के देखूँ। तो जी कहते क्यों, फिर कहते और नहीं तो यार मेरे लिए ना तो खोल के देखने दो। तो जी कहते बाद में देख लेना। फिर कहते नहीं देखूँगी अभी देखूँगी, और वैसे भी आप ही का तो सामान है ना क्या प्रॉब्लम है। तो जी कहती अब थोड़ी सी प्राइवेसी समझा करो ना। तो कहते हमारे बीच में भी प्राइवेसी चाहिए आपको। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमारे बीच में कोई प्राइवेसी नहीं होगी, तैयार करके तुम्हारी आंखों के सामने लाओ ताकि तुम खुश हो सको, रूही सरप्राइज मत खराब करो ना। तो रूही कहती अरे यार बुद्धू बाबू तुम्हारे सरप्राइज नहीं हार्ट अटैक होते हैं, प्लीज़ नो सरप्राइज। तो जी कहती ठीक है
लेकिन वो चीज़ क्या है ना, तुम्हें पसंद आएगी, तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आएगा, यू डोंट वरी ना, फिलहाल मुझे दे दो रुई प्लीज़, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। तो रुई कहती है चलो ठीक है ठीक है, तुम पहले ही गुस्से में हो और नहीं दिलाती हूँ तुम्हें मैं। तो उसके बाद वो बॉक्स से होता है, वो जिया को देती, कहती है ठीक है अब इसका क्या करोगे, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें। तो जिया कहती है नहीं नहीं मुझे ऑफिस जाना है, एक काम करो ड्राइवर को बोलो इसे गाड़ी में पटक देगा। तो रुई कहती है कि ड्राइवर को बोलूँ गाड़ी में पटक देगा, गिफ्ट मेरा और पटक रहे हो तुम। तो जिया कहती है आप नहीं जानू, ड्राइवर को बोलो इसे गाड़ी में रख देगा। तो रुई कहती है ये ठीक था, पटक देगा मेरा गिफ्ट पटकोगे तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। तो जिया कहती है नहीं मुझ में कहाँ हिम्मत है रुई, रुई थोड़ा मूड ख़राब है प्लीज़। तो ये कहते ज़्यादा मूड ख़राब है, ज़्यादा मूड ख़राब है तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे पास आओ बस। तो जी कहते नहीं नहीं इतना मूड भी ख़राब नहीं है, मुझे काम करने दो, काम करना है ना, और मेरा बाबू तो बहुत समझदार है, बिना कहे सारी बातें समझता है, समझो। तो रूही कहते ठीक है मैं रखवा देती हूँ, आप जाके चेंज कर लो। रूही कह जिया कहते ओके। तो उसके बाद रू जाए वो चली जाती है वहाँ पे, और जिया चली जाती है चेंज करने के लिए। लेकिन कुछ देर के बाद रू जो होती है वो अपने रूम में आ जाती है। तो जिया जो उस वक्त बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी होती है, वो कोट डाल ही देती है कि रूई जो है वो उसे ले लेती है और ख़ुद उसे कोट पहना करके उसको पीछे से गले लगाती है। तो जिया कहती क्या है रूई, तो जिया कहती कुछ नहीं है, तुम थोड़े से परेशान लग रहे हो, क्या हुआ जिया। तो जिया कहती कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो रूई कहती नहीं कहना कि उसकी एक छोटी सी गलती के लिए आप इतना नाराज़ हुए, ऐसी बातों पर आप जल्दी से गुस्सा करते नहीं हो, और करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप किसी ना किसी बात से पहले से परेशान हो या आप गुस्से में हो, गुस्से में आप थे नहीं क्योंकि अभी भी मैं आपके पास से आई हूँ, और परेशान अचानक से कैसे हो गया वो मुझे समझ में नहीं आया। तो जिया फिर रुई की तरफ पेश करती है अरे मेरे बाबू मैं कोई परेशान परेशान नहीं हूँ, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम रिलैक्स हो जाओ ओके जानू, और फिलहाल मुझे कहीं जल्दी जाना है, मेरे बाबू मैं जाऊँ। तो जिया रोही कहती है कि अच्छा, तो जिया कहती है सची, और तुम देखो तुम्हारे बाबू कितना हैप्पी है, और जब तुम पास हो और मैं हैप्पी ना रहूँ, इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो रोही कहती है वो बात तो है, खैर वैसे लेट हो रहा है तुम्हें। तो जिया कहती है थोड़ा सा, तो रोही कहती है ओके जाओ। तो उसके बाद रोही जो होती है वो जिया को गले लगाती है एंड उसके बाद वो उसे भेज देती है। और जब जिया बाहर आती है तो वो देखती है कि रोही नहीं है, तो तुरंत ही अपने फ़ोन से फ़ोन करती है कि नेक्स्ट फ्लाइट कितने बजे की हैदराबाद की। तो उसे जो भी आंसर मिलता है ठीक है मैं आ रही हूँ, टिकट बुक कर दो। सो गाइस अभी अब वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि गला इतना भी अच्छा ठीक नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सो टाटा बाय बाय सी यू।